सर मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, या मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली हेडिंग बना देता हूं, गुड्स यूज अगर हम गुड्स यूज की बात करें अगर हम गुड्स यूज की बात करें तो सर सबसे पहले गुड्स कितने तरीके के जो यूज हो सकते हैं। नंबर वन पर्सनल यूज हो सकता है, नंबर दो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नंबर थ्री चैरिटी में गिवन हो सकता है, नंबर चार आपका या तो लॉस बाय फायर हो सकता है, सर इन इन जगहों पे आपका गुड्स ना आपके व्यापार से बाहर जा सकता है। बड़ी सीधी सी बात करें ना, हमारे बिजनेस में से ये गुड्स बाहर जा सकता है। अब बिजनेस में से गुड्स जाता है सिर्फ पर्पस हमारा बेचना होता है, लेकिन ये वो रीजन है जिसमें आपका सामान बिकेगा भी नहीं लेकिन फिर भी आपका सामान चला जाएगा। नॉर्मली अगर आप सामान बेचने के लिए ला रहे हो दुकान के अंदर तो आप बेचोगे, लेकिन ये वो रीजन है जिसके अंदर आपका सामान बिक नहीं रहा लेकिन फिर भी सामान जा रहा है। तो सर ऐसे पर्सनल यूज जब भी होगा तो उस सिचुएशन में उसको हम क्या बोलते हैं सर, ड्रॉइंग बोलते हैं। उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम, और जब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी बोल देते हैं। और सर जब अगली बात हम करें, जब चैरिटी में गिवन होता है ना तो चैरिटी में गिवन होता है तो इसे चैरिटी बोल सकते हो आप, और इसका कोई नाम नहीं है। लॉस बाय फायर को हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले अगर गुड्स पर्सनल यूज की बात करें तो यहां पे ना आपको हमेशा याद रखना, मैं पहले ही लिख देता, बाद में लिखेंगे या तो फिर यहां पे आप सबसे पहले मेन चीज याद रखिएगा, आपको दो जगह गिवन हो सकता है। प्रोप्राइटर ने पर्सनल गुड्स यूज कर लिया ऐसे बोला जाएगा सर, दो जगह पे बोला जा सकता है सर, दो जगह पे कहां कहां बोला जा सकता है, हो सकता है ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, और हो सकता है कहां गिवन हो, एडजस्टमेंट में। अगर सर आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना तब तो सिंगल एंट्री, और एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो एंट्री। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपका तो सिंगल एंट्री का मतलब ये चला जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल एज ड्रॉइंग, सर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा एज अ ड्रॉइंग। अगर ये एडजस्टमेंट में है तो सर दो जगह एंट्री चले जाएगा, सर दो जगह कहां से जाएगा, एक हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेज और सेकंड चला जाएगा हमारा लेस फ्रॉम ड्रॉइंग कैपिटल, लेस फ्रॉम। अब सवाल आता है कि यहां पे एग्जामिनर आपके साथ एक काम करता है कि आपको दो वैल्यू दे देता है,
आपको दो वैल्यू दे देगा, जैसे आपको मार्केट वैल्यू और एक दे देगा आपको कॉस्ट प्राइस। दो वैल्यू गिवन है आपको। मैंने कहा कि मैं अपने, मान लेते हैं मेरा क्लॉथ का काम है, बोला मैंने एक एक स्वेटर ले लिया या एक टी शर्ट ले लिया अपने पहनने के लिए, तो पर्सनल यूज हो गया सर ये। और मैंने बोला इसे नॉर्मली मैं 100 का बेच देता हूं, लेकिन मुझे पड़ा था 80 का, तो यानी आपको यहां पे दो प्राइस पता चल गया। जो मैं जितने का बेचता हूं वो क्या है हमारा मार्केट प्राइस, और जितने का मैं खरीद के लाया हूं वो क्या है, अब दो वैल्यू। तो सवाल ये आता है सर आपने बता तो दिया कैपिटल से माइनस करिए, परचेज से माइनस करिए, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा? तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में रहेगा कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्या रहेगा? तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आंसर रहेगा, जब दो वैल्यू गिवन है तो आंसर लिखना है आपने, ऑलवेज टेकन करना है कॉस्ट प्राइस। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, यहाँ पे एक इस एडजस्टमेंट को दिमाग में रख लेते हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सर इस एडजस्टमेंट के अंदर भी दो वैल्यू गिवन था, आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला था कि कॉस्ट प्राइस रखिएगा, यहाँ पे विच एवर इज लोअर वाला, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 चल रहा था, वहां पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं है, वो हमेशा कौन सा लिया जाएगा इस वाले सिचुएशन में, ये ध्यान रखिएगा, इस वाले सिचुएशन में हमेशा लिया जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। समझ में आई बात आपको? दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें हैं। सर अगर हमारा बात करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये भी दो जगह हो सकता है आपका गिवन। सर दो जगह कहां कहां पे? इट मे बी पॉसिबल कि ये हो आपके ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस को और इट मे बी पॉसिबल ये कहां हो, एडजस्टमेंट में। अगर हुआ ये ट्रायल बैलेंस में तो कितनी एंट्री, एक, और अगर हुआ एडजस्टमेंट में तो दो एंट्री। अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो ये सिर्फ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि आप अगर फ्री में कुछ बांट रहे हो तो इसका मतलब अपने बिजनेस का आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो या तो आप फ्री सैंपल के नाम से डाल दीजिए P&L के डेबिट में, या फिर एडवर्टीजमेंट के नाम से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये खर्चा है। लेकिन अगर दो जगह हुआ तो एक तो ये हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेज, दूसरा होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। यहां भी दो वैल्यू हो सकता है, तो कौन सा प्राइस लोगे यहां पे? कॉस्ट प्राइस। देखो एक ही जगह सिर्फ विच एवर इज लोअर चलता है, और क्लोजिंग स्टॉक वाले कॉन्सेप्ट में बाकी हर जगह पे क्या चलता है सर? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी अगर आपसे दो वैल्यू गिवन हो तो आपने कंसीडर करना है यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस। अब एक बात, दो चीजें मैंने करा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है सर कि हर बार ये समझ में आ रहा है कि आपका पर्सनल यूज है, ड्रॉइंग है, तो कैपिटल से माइनस हो रहा है। सर ये समझ में आ रहा है कि फ्री सैंपल है तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो P&L के डेबिट में आ रहा है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि परचेज से क्यों माइनस हो रहा है। क्योंकि मान लो, सपोज करो, एक बड़ी छोटे से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक दुकान है, और दुकान के अंदर हमारा कुछ यूनिट है, ये मान लेते हैं मिठाई की दुकान है, तो ये क्या है? अब इसे रसगुल्ले कह लो, लड्डू कह लो, हाँ कुछ भी कह लो सर, ये हमारा, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे दुकान के अंदर, ये सामान है,
ये सामान मैं मान लेता हूं कि मैं खरीद के लाया था, कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ आइटम मैं खरीद के लाया था, नौ आइटम मैं खरीद के लाया था, समझ रहे हो? अब सर नौ आइटम मैं खरीद के लाया था, एक मान लेते हैं कोई आ जाता है मेरे पास, और मैंने क्या करा कि एज अ फ्री सैंपल किसी को दिया, मैंने बोला आप एक बार मेरा सामान जो लेना है उससे पहले आप टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो मैंने उसको क्या करा, एक सामान, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को मैंने एक इसमें से लड्डू मान लो रसगुल्ला मान लो निकाल के दे दिया है व्यक्ति को, जो भी था उस व्यक्ति को मैंने क्या करा, एक लड्डू मान लो या रसगुल्ला मान लो मैंने उसको निकाल के दे दिया, ये चला गया इसके पास। अब हालांकि मेरे पास परचेज कितने थे बताओ, नौ। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, देने के बाद कितने बचे, आठ। यानी जैसे ही मैं फ्री सैंपल का काम करने जा रहा हूँ, फ्री सैंपल जैसे ही मैंने किया तो मेरा परचेज क्या हो गया, कम। इसलिए हम परचेज को क्या कर रहे हैं, माइनस। सेम ऐसे ड्राइंग में एक मैंने खा लिया तो अब कितने बचेंगे, सात। फिर से परचेज क्या हो गया, इसलिए आपका यहाँ पे भी परचेज कम हो रहा है और दूसरी जगह भी परचेज क्या हो रहा है। तो जब कभी भी गुड्स यूज होगा ना, तो ऑलवेज हमेशा याद रखना, गुड्स यूज होगा ना तो एक तो सेल्स की वजह से होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेल्स की वजह से नहीं और किसी अदर रीजन से गुड्स यूज हो रहा है तो हमेशा लेस हो जाता है हमारा परचेज, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चैरिटी। अगर मैं चैरिटी की बात करूं तो बिल्कुल सेम होने वाला है जो कि यहां पे था, चैरिटी में बिल्कुल सेम होगा, दो जगह एंट्री हो सकती है आपकी। लॉस बाय फायर को तो हमें अलग से ही सीखना पड़ेगा, या तो हो सकता है आपका, मैं यहां ट्रायल बैलेंस लिख रहा हूं ठीक है ना, या तो हो सकता है आपका कहां पे होगा, ट्रायल बैलेंस में, दूसरा या फिर कहां हो सकता है, एडजस्टमेंट में। अगर आपका ट्रायल बैलेंस में हुआ और एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस की बात करें सर, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ तो एक सिंगल एंट्री करेंगे और पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा। सर एक बात बताओ, ये होता क्या है चैरिटी के लिए, जैसे मेरे पास रसगुल्ला था या फिर कोई भी, हम क्या करते हैं दुकानदार वगैरह भलाई भी करते हैं, चंदा वगैरह देते हैं, तो दैट इज चंदा कॉल चैरिटी, ठीक है। तो चैरिटी में, लेकिन एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह होगा, एक तो हमारा भैया हमने चैरिटी कर दिया, तो चैरिटी करने से हमारे व्यापार में तो एक खर्चा तो हो ही गया, एक हो जाएगा एक्सपेंस, तो कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दूसरा, जब भी चैरिटी करोगे तो निकला क्या आपका, सामान निकला, स्टॉक निकला, तो फिर दूसरा इंपैक्ट कहां पे आ जाएगा, जैसे दुकान से सामान निकलता है तो लेस हो जाएगा कहां से, लेस फ्रॉम परचेज। अभी ये सारे जितने भी एंट्री कर रहे हैं विदाउट जीएसटी कर रहे हैं अभी हम, इसके बाद फिर जीएसटी का इंप्लीमेशन भी देखेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है जीएसटी के साथ आने का, ठीक है ना। तो ये था हमारा, अभी लॉस बाय फायर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसको अलग रखा, पहले यहां तक देखिए कोई डाउट क्लियर है, यहां तक एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, या तो चैरिटी में पैसे